हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक GDS जिसे कहते हैं तथा ब्रांच पोस्टमास्टर BPM और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर ABPM और डाक सेवक इत्यादि की वैकेंसी आई हुई है तो जिसके बारे बता रहे हैं। आता इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अंत तक देखें, और अभी तक यदि मेरे चैनल ITI आइकॉन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल ITI आइकॉन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वैकेंसी के लेटेस्ट वीडियो को देख पाएंगे। तो देखिए, ये जो एप्लीकेशन जो सबमिट करना है ये www.indiapostsgdsonline.gov.in में करना है। तो देखिए, एंगेजमेंट शेड्यूल एज अंडर एंगेजमेंट का शेड्यूल दिया है। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट है 27 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक है, और एडिट और करेक्शन विंडो फॉर एप्लीकेंट के लिए एडिट करने का और करेक्शन करने का डेट दिया है 17 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 तक दिया है। और इसमें एवोलमेंट्स दिया है, इसमें जो वेतन दिया है उसको देखिए, BPM के लिए 12,000 से 29,380 रुपया है और ABPM और डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,470 रुपया है। इसका जो वेबसाइट है www.indiapost.gov.in है, और ये अवेलेबल होगा https://indiapostgdsonline.cept.gov.in/notifications/gds-orders.pdf। तो इसका एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया देखिए, योग्यता देखिए फॉर ऑल पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए, और एज लिमिट देखिए। तो इसका एज लिमिट है, मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए 3 ईयर्स है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, और PWD के लिए 10 ईयर्स है, और PWD प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स है, और PWD प्लस SC और ST का 15 साल की रिलैक्सेशन। क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, तो इसका क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड यानी क्लास 10 पास होना चाहिए, हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इसमें हैविंग बीन स्टडीड एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो कह रहा है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश इसमें जरूर होना चाहिए। और इसमें कह रहा है द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज दैट इज नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो इसमें लोकल लैंग्वेज भी होना चाहिए, एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड एज कंपल्सरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट अवेलेबल। तो इस पर जो ये वेबसाइट दिया है इस पर ये सभी ये दिया हुआ है, तो लोकल लैंग्वेज भी आपको पास होना चाहिए। और अदर क्वालिफिकेशन देखिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग साइकिल चलाना जानना जरूरी है, और एडेक्वेट मींस लाइवलीहुड ये होना चाहिए। तो इसी तरह एक एनेक्सर वन का फॉर्म भराएगा, ये देख लीजिए, सर्किल डिवीजन ऑफिस पोस्ट इत्यादि। और ये दूसरा एनेक्सर टू का अंडरटेकिंग दिया गया है, इसे भी आप इसे फिलअप करें। तीसरा एनेक्सर थ्री का डिक्लेरेशन दिया है, नंबर ये एनेक्सर फोर का अंडरटेकिंग है, इसे भी देखें। एनेक्सर फाइव इंस्ट्रक्शंस ऑफ एप्लीकेंट्स का ये इंस्ट्रक्शन दिया है, निर्देश दिया है, इसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये पढ़ें। तो इसमें पेमेंट ऑफ फी है, इसमें फ़ी है 100 रुपीज़ है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकॉन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।